नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के शराबियों में खलबली मचा देने वाली खबर की स्पेशल रिपोर्ट में। शराबबंदी का नाम सुनते ही राजस्थान के शराबियों को बड़ा झटका लगा होगा। इस खबर ने तीर सीधा शराबियों के दिल पर मारा है। अगर आप भी हैं शराब पीने के शौकीन तो आज ही शराब को त्याग दीजिए, क्योंकि इससे शरीर को तो नुकसान होता ही है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य में शराबबंदी करने भी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि गुजरात बिहार की तरह अब राजस्थान में भी शराब बंद कर दी जाएगी। गहलोत सरकार ने राज्य में शराबबंदी करने हेतु उचित कदम हैं उठा लिए हैं और शराबबंदी के निर्णय पर काम शुरू भी हो गया है। गहलोत सरकार ने राज्य में शराबबंदी करने हेतु उचित कदम भी उठा लिए हैं और शराबबंदी के निर्णय पर काम शुरू भी हो गया है। शराब को लेकर घर से लेकर सड़क तक की लड़ाई आपने कई बार देखी होगी। कहीं पीने वाले ने किसी को पीट दिया तो कहीं शराब ना मिलने पर लड़ाई हो गई। अक्सर राजस्थान की महिलाएं आंदोलन करती रही हैं कि सरकार शराब बंद कर दे, लेकिन अब लग रहा है कि करवा चौथ पर अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगने वाली महिलाओं की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। महिलाओं की इस प्रार्थना के एक चैप्टर शराबबंदी पर गहलोत सरकार जल्द ही अंतिम मोहर लगाने की तैयारी कर रही है। शराबबंदी को लेकर सत्ता में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शराबबंदी के निर्णय पर जोर शोर से काम भी कर रही है। अब देखना यह बाकी रह गया है कि नोटबंदी की तरह गहलोत सरकार कब ऐलान करती है कि आज रात 12 बजे के बाद राजस्थान में शराब बंद है। राजस्थान सरकार के इस ऐलान के बाद का नजारा काफी दिलचस्प होगा। कहीं शराब के ठेकों पर शराबियों की लंबी लाइनें लगी होगी तो कहीं कोई शराबी उस रात अंतिम बार शराब का सेवन करेगा। शराबबंदी एकदम हो नहीं सकती, क्योंकि पहले एक बार प्रयोग हुआ था राजस्थान के अंदर, वापस उठाना पड़ा उसको। शराबबंदी आप कर दो, बाद में नकली शराब बनती है, के लोग मारे जाते हैं। पर शराब पे रोक लगे, स्वयं रोक लगाए अपने आपके ऊपर, शराब पीना बंद करे या नए शराब नहीं पिए लोग, ये प्रयास में सगाई के साथ रहे। अक्सर शराबबंदी के नाम पर सिर्फ शराब की दुकानें ही बंद होती है, लेकिन शराब शटर के नीचे से बिकती रहती है। ऐसी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है। शराबबंदी के लिए पहले जड़ को मजबूत करना होगा, यानी कि पहले जड़ ऐसी बनानी होगी कि इसको खत्म किया जा सके। उसके बाद सरकार शराबबंदी का फैसला ले तो बेहतर हो सकता है। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, लेकिन मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी। लेकिन अब मरुधरा में शराब की नहरें नहीं बहेगी। अब मरुधरा के महकानों में बहार है वो नहीं होगी। अब साकी की महफिलें गुलजार नहीं होगी। मदिरा पीकर अब कोई मतवाला नहीं होगा। शराब से अब किसी की जान नहीं जाएगी, क्योंकि सूबे की सरकार जाम के पैमाने को तोड़ने या फिर रोकने की परिकल्पना पर अब गंभीर हो रही है। गहलोत सरकार सिर्फ बयानों से राज्य की जनता को गुमराह करेगी या बयान के इन खतों को पोस्ट वीक करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शराबबंदी को लेकर बयान से तो लग रहा है कि अब सूबे की सरकार शराब की बुनियादी जड़ें ही उखाड़ फेंकेगी, लेकिन वक्त ही बताएगा कि गहलोत सरकार साकी के जाम के पैमानों को रोक पाएगी या सभी दावे खोखले और झूठे निकलेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राजस्थान में शराबबंदी कितना सही या फिर गलत कदम है, कितना गलत या सही साबित होगा, और क्या गहलोत सरकार शराबबंदी करने में कामयाब हो पाएगी। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज के साथ, शराबबंदी की अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।